इमर्जिंग एशिया का पाकिस्तान के नाम। फाइनल में पाकिस्तान शाहींस ने भारत कोई ए टीम को 128 रन से हरा दिया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग समेत किसी शोबे में भारतीय सुरमाओं की एक ना चलने दी। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 8 विकेटों के नुकसान पर 352 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी बैटर तैयब ताहिर ने शानदार सेंचुरी बनाई, 108 रन बनाए। साहबजादा फरहान 65, साइम अयूब 59, मुबस्सर ने 35 रन बोर्ड पर लगाए। अदब के ताकुब में भारतीय टीम 40 ओवर्स में 224 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरी बार चाल चाल अपने नाम किया। शाबाश हमजा खान, 37 साल बाद पाकिस्तान को जूनियर स्क्वाश का आलमी चैंपियन बना दिया। मेलबर्न में खेले गए फाइनल में हमजा खान ने मिस्र के मोहम्मद जिक्रिया को 3-1 से शिकस्त दी। पिशावर के हमजा खान का ताल्लुक पाक आर्मी से है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हमजा खान को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद, कहा हमजा खान ने जान शेर की याद ताज़ा कर दी। उम्मीद है आप एक बार फिर स्क्वाश में पाकिस्तान को नाकाबले तस्खीर बनाएंगे। पेशावर जलमी फाउंडेशन का हमजा के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। जान शेर खान ने 1986 में पाकिस्तान को यह टाइटल जितवाया था। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। केपी में मुख्तलिफ हादसात में 2 रोज में 9 अफराद जान बहाकर 7 जख्मी। आजाद कश्मीर में 2 खवातीन समेत 5 अफराद की जानें चली गईं। मुतादिद घर और दुकानें लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैलों की जर्द में आ गईं। कराची में पानी भरे बादलों की चाल, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुलशन जौहर एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी, क्लिफ्टन, पंजाब चौरंगी, बोर्ड बेसन, कोरंगी, गुलशन इकबाल, बहादुराबाद, स्टेडियम रोड और मलीर में मूसलाधार बारिश। मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। नून लीग को अगले 5 साल का मैंडेट मिला तो मुल्क की किस्मत बदल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब।